या प्रकरणात सहभागी असणार आहेत त्यांना पूर्णपणे या प्रकरणातून बरखास्त करण्यात आलेलं नाही असं एनसीबीने स्पष्ट केलंय। भाजपचे नेते मोहित कंबोज यांची पत्रकार परिषद सुरू आहे, मोहित भारतीय यांची, थेट जाऊया। पिछले महीने की 2 अक्टूबर से हमने देखा कि महाराष्ट्र में और देश में एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी एक इशू है, आर्यन खान ड्रग केस। नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने क्रूज के ऊपर रेड की। नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के क्रूज के ऊपर रेड करने के बाद जैसे पॉलिटिसाइज मैटर हुआ और पूरे देश में किस हिसाब से एक बड़े मंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ कुछ अधिकारी और एक बहुत बड़ी एजेंसी जो देश फ्री ड्रग फ्री इंडिया की मुहिम को लेके मुंबई में उतरी, महाराष्ट्र में उतरी, देश में उतरी है, कैसे उनके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप हुए। आप सबने देखा होगा कि 6 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, 2 तारीख को नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने रेड की, 3 तारीख को श्री शाहरुख खान जी के लड़के को नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने अरेस्ट किया, रविवार का दिन था, और सोमवार को मंडे को उनको रिमांड के लिए लेके गए, कोर्ट गए, और पूरी मीडिया ने देश में पूरे हर चैनल के ऊपर ये ब्रेकिंग न्यूज करके चलता रहा। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न आया जब 6 तारीख को महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर श्री नवाब मलिक जी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक पूरे देश की मीडिया के साथ साथ सबको किस तरह से विटनेस हैम्परिंग और किस तरह से इसके अंदर नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का इसके अंदर बैक टू बैक संबंध है, हैंड टू हैंड संबंध है, ऐसी फोटोज और पिक्चर्स और वीडियोस मीडिया और लोगों के सामने रखी। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी और ये पूरी कहानी के पीछे का सच क्या है। कुछ किरदार तो एफिडेविट और सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से आपके सामने आए, जिसमें किरण गोस्वामी, मनीष भानुशाली, सैम डिसूजा, ऐसे किरदारों को एफिडेविट के रूप में एक प्रभाकर सायल नाम के जो ड्राइवर थे किरण गोस्वामी के, उन्होंने पूरे देश के सामने रखा। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आज मैं आप सबको विद प्रूफ, विद व्हाट्सएप चैट, ऑडियो रिकॉर्डिंग और सब तरह के वीडियो रिकॉर्डिंग और प्रूफ के साथ इसकी मैटर की पूरी कंट्रोवर्सी की सच्चाई, इसके पीछे हुए लोग, जुड़े हुए लोग, और किस प्रकार से एक इंसान ने या एक दल ने ये पूरे मैटर को लेकर देश के अंदर एक नरेटिव, झूठ का नरेटिव सेट करने का पूरा प्रयत्न किया। मैं ये प्रेजेंटेशन के रूप में लगाना चाहूंगा। ये फोटो पूरे देश में चर्चा की विषय रही और मुझे ऐसा लगता है, मेरे को लगता है मोबाइल साइलेंट कर दे सब जरा, मुझे ऐसा लगता है बहुत गंभीर विषय, कृपया करके थोड़ा आवाज ना करें पीछे के लोग प्लीज। ये फोटो पूरे देश ने हर एक सोशल मीडिया चैनल पर देखा गया कि कैसे एक आदमी किरण गोस्वामी शाहरुख खान जी के लड़के आर्यन खान के साथ सेल्फी ले रहा है। ये फोटो बहुत चली और इसमें भारतीय जनता पार्टी को जोड़ा गया कि कैसे किरण गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट का समीर वानखेड़े का आदमी होकर कैसे आर्यन खान को एक पर्सनल खींचते हुए नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में लेके जा रहा है। आज मैं आपको ये पूरे घटनाक्रम के पहले की सच्चाई, ये घटनाक्रम शुरुआत कैसी हुई, कैसे इसके पीछे कहानी रची गई और कौन है किरण गोस्वामी, कौन है मनीष भानुशाली, कौन है प्रभाकर सायल, ये सब सच बताऊंगा। मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी लेके आया हूं, लेकिन वो चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मास्टरमाइंड इसका, जो आपको प्रूफ दूंगा इसके आगे, इसका पूरा मास्टरमाइंड है सुनील पाटिल, नाम आप गौर से लिखिएगा, सुनील पाटिल। सुनील पाटिल जो है वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी
एनसीपी, मैं आपको सामने बोलूंगा, सुनील पाटिल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के फाउंडेशन से जुड़े हुए सदस्य हैं। यह आप फोटो गौर से देखिएगा, सुनील पाटिल जी का फोटो है जो धूले से आते हैं। 20 साल से राष्ट्रवादी पार्टी से इनके संबंध रहे हैं। और सिर्फ संबंध नहीं रहे हैं, हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री जो अरेस्ट हुए अनिल देशमुख जी, उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख के ये जिगरी दोस्त हैं। पूर्व गृह मंत्री आर आर पाटिल जी के साथ इनके काफी करीब के संबंध रहे हैं और महाराष्ट्र में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी के सभी नेताओं के सभी मंत्रियों के ये घर के सदस्य जैसे हैं। ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये मैं आपके सामने सच्चाई बता रहा हूं। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की जो कार्रवाई अनिल देशमुख जी के ऊपर चालू है उसके अंदर भी सुनील पाटिल जी का पूरा रोल डिफाइंड है। कैसे महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के खाते के अंदर अधिकारियों की बदली के पैसे सुनील पाटिल लेते थे, एक रैकेट मुंबई में सुनील पाटिल कैसे चलाते थे महाराष्ट्र में अधिकारियों का बदली का गृह मंत्री गृह विभाग के साथ, और पिछले कुछ वर्षों से 1999 से लेके 2014 तक सुनील पाटिल और उनका गैंग पूरे महाराष्ट्र में बहुत एक्टिव था, सक्रिय था। 2014 के बाद जब सरकार बदली तो सुनील पाटिल भी अंडरग्राउंड हो गए। 2019 के बाद फिर से सुनील पाटिल पूरे देश महाराष्ट्र में फिर से वो गैंग लेकर मुंबई के 5-स्टार होटल्स में पार्टी करना और ट्रांसफर ऑफ बदली की वहाँ पे पूरा रैकेट चलाना, ये सुनील पाटिल और उनका गैंग करता आ रहा है। इसमें काफ़ी ब्यूरोक्रेट भी सुनील पाटिल जी के साथ इन्वॉल्व है। महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी के काफ़ी मंत्रियों के रिश्ते उनके साथ हैं, जिसकी मैं आपको जानकारी और ऑडियो क्लिपिंग आने वाले आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूंगा। लेकिन हम शुरुआत करते हैं आर्यन खान केस से। सुनील पाटिल का आर्यन खान केस से क्या लेना देना? आप सबको पता होगा सैम डिसूजा नाम का आदमी, जिसका जिक्र नवाब मल्लिक जी ने किया, जिसका जिक्र संजय राउत जी ने किया, जिसका जिक्र प्रभाकर सेल के एफिडेविट में भी है, सैम डिसूजा। अब ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1 अक्टूबर से। सुनील पाटिल जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनसे जुड़े हुए हैं और काफ़ी क्लोज के रिश्ते हैं, उन्होंने सैम डिसूजा को 1 तारीख को व्हाट्सएप किया। ये मैं पूरी व्हाट्सएप चैट पूरी आपके साथ साझा करूंगा, पूरा प्रेजेंटेशन के साथ है, पूरी व्हाट्सएप चैट आपके साथ साझा करूंगा। उन्होंने व्हाट्सएप किया और फिर व्हाट्सएप कॉल किया। सैम डिसूजा को व्हाट्सएप करके बोला कि मेरे पास 27 लोगों की लीड है और तुम मेरे को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी के साथ बात कराओ। उन्होंने बोला मुंबई में क्रूज पार्टी हो रही है, क्रूज पार्टी में ड्रग का सेवन होने वाला है, 27 लोगों के नाम मेरे पास हैं, मेरे को तुम नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी के साथ मेरी बातचीत कराओ। सैम डिसूजा ने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में एक अधिकारी हैं श्री वी वी सिंह, उनसे उन्होंने बात की। सैम डिसूजा जी का ऐसा बोलना है कि देश के काम करने के लिए अगर मेरे पास कोई लीड आई, इंटेल आया, मैंने अधिकारी को शेयर किया, मैंने उनको बोला कि मेरे को ऐसा ऐसा एक लीड आई है और क्रूज पार्टी यहाँ पे मुंबई में हो रही है,
उसमें काफी मात्रा में ड्रग का सेवन होने वाला है और कुछ लोग इसमें इसका व्यापार करने वाले हैं। तो फिर उन्होंने सुनील पाटिल जी से बात की कि हाँ, मेरी बातचीत वीवी सिंह साहब से हो गई है और आप बताओ इसमें आगे कैसे करना है। 2 तारीख को सुनील पाटिल जी ने बोला सैम डिसूजा को, सुनील पाटिल जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के फाउंडर मेंबर्स के जमाने से है, काफी होम मिनिस्टरों के साथ जुड़े हुए हैं, ईडी की इंक्वायरी में, अनिल देशमुख जी की इंक्वायरी में उनका नाम है, ऋषिकेश देशमुख के जिगरी दोस्त हैं, महाराष्ट्र के काफी कैबिनेट मिनिस्टर के दोस्त हैं। उन्होंने बोला सुनील पाटिल ने, मेरा आदमी को तुम NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक अधिकारी के साथ मिला दो, वो आगे की जानकारी देगा, मेरे पास बहुत बड़ी जानकारी है। तो उसने बोला कौन अधिकारी, आपका कौन आदमी है जो बात करेगा? सुनील पाटिल ने बोला उसका नाम है किरण गोसावी। जी हाँ, ये वही किरण गोसावी है। सुनील पाटिल ने व्हाट्सएप पे किरण गोसावी का नंबर सैम डिसूजा को भेजा। किरण गोसावी का नंबर सैम डिसूजा को भेजा और बोला इसको आप एजेंसी के साथ मिलवा दीजिए, इसको आप अधिकारी के साथ मिलवा दीजिए और ये कोऑर्डिनेट वहाँ से केस को आगे करेंगे कि कैसे कैसे इनके पास लीड है, और पूरी जानकारी किरण गोसावी NCB के अधिकारी वीवी सिंह को देंगे। ये खुद में एक बहुत बड़ा खुलासा है और खुद में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि कैसे NCP नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के फाउंडर मेंबर आज ड्रग्स के इतने बड़े माफिया, इतने बड़े सिंडिकेट की जानकारी कैसे वहां पे सेवन होने वाला है, वहां पे ड्रग्स का सेवन होने वाला है या पार्टी होने वाली है, उनके पास आई? ये बहुत बड़ा प्रश्न एक उठता है। मैं आपको अभी जितना मैंने बोला है यहां पर, आपको पहले आगे जाने से पहले मैं यहां पे सैम डिसूजा की 1-2 मिनट की आपको वीडियो दिखाऊंगा। कृपया लाइट बंद कीजिए, मैं वीडियो चालू कर रहा हूं। And so I told him, like, I'll finish my dinner, I'll finish my meeting, and then I will go to it.
ग्रीनगेट. सो आफ्टर आई फिनिश विद दिस आई वेंट टुवर्ड्स ग्रीनगेट. आई मेट मिस्टर गोसावी फॉर द फर्स्ट टाइम. टिल देन वी ओनली कोऑर्डिनेटेड ऑन द फोन. ही शेक हैंड विद मी. ही सेड थैंक यू फॉर लेटिंग मी इंट्रोड्यूस टू द एचसीबी ऑफिशियल. आई सेड यू आर डूइंग अ गुड जॉब एंड आई वाज थिंकिंग टू डू गुड फॉर द नेशन. दैट्स द रीजन व्हाई. ये आपने देखा, ये सैम डिसूजा हैं जिन्होंने सुनील पाटिल के बोलने पर किरण गोसावी को वी सिंह करके अधिकारी से मिलाया. जिस हिसाब से पिछले कुछ समय पर में एक महीने में एक नया नरेटिव, एक झूठ की स्टोरी, भारतीय जनता पार्टी का रेड के साथ इन्वॉल्वमेंट, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विटनेस बनना, भारतीय जनता पार्टी का समीर वानखेड़े के साथ हैंड टू हैंड होना, तो ये कॉन्स्पिरेसी रचने वाले ऐसे महाराष्ट्र के कौन से मंत्री हैं जिन्हें सुनील पाटिल को आगे कर ये कॉन्स्पिरेसी रचाई, ये प्रश्न खड़ा होता है. ये राष्ट्रीय एजेंसी और किसी अधिकारी को बदनाम करने के लिए ये कौन सी पिक्चर का निर्माण किस मंत्री और कितने मंत्रियों ने किया कि जो सेंट्रल एजेंसी महाराष्ट्र में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ड्रग फ्री की मुहिम चला रही है, उसमें ड्रग फॉर नेशन की मुहिम चलाने वाले मंत्री और नेता इसके पीछे कौन है, उनको जवाब देना पड़ेगा. ये मैटर यही नहीं रुका. जब ये किरण गोसावी और बाद में आगे चलकर सैम डिसूजा की बातचीत हुई और उसके अंदर किरण गोसावी ने सैम डिसूजा को धमकी भी दी, लेकिन उसके पहले सुनील पाटिल और सैम डिसूजा की आपस में एक अगस्त में बातचीत हुई, वो टेप भी मैं आपको साझा करूंगा, जिसके अंदर सुनील पाटिल कैसे बताता है कि उसका कितना रुतबा महाराष्ट्र की राजनीति में और राजनीति में यहाँ पे मंत्रियों के साथ पिछले 20 वर्षों से है. मैं इस ऑडियो के माध्यम से किसी मंत्री के ऊपर जिसका नाम लिया गया उस पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन ये प्रश्न जरूर उठता है कि उनको जवाब देना पड़ेगा कि सुनील पाटिल के साथ उनके क्या संबंध हैं. उस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन मैं उस पर उनके ऊपर बिल्कुल कोई आरोप नहीं लगाता. मैं मीडिया को बोलना चाहूँगा, बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं, लेकिन उनको सुनील पाटिल के साथ क्या संबंध 20 साल से रहे हैं उनके पार्टी के, उनके नेताओं के और ख़ास करके होम मिनिस्टर्स के क्यों संबंध सुनील पाटिल के साथ रहे, महाराष्ट्र की बदलियों में सुनील पाटिल का क्या लेना देना, ये कॉन्स्पिरेसी जो महाराष्ट्र में क्रूज पार्टी पे रची गई रेड की, उसमें एक अधिकारी को बदनाम करना है क्या, क्या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को टिंटेड करना है क्या, या महाराष्ट्र में ड्रग मुहिम को बढ़ावा देना है क्या, या कोई बहुत बड़े एक सिंडिकेट को शरण देने का काम महाराष्ट्र के कोई मंत्री कर रहे हैं, ये सवाल उठ के आपके सामने खड़ा होता है. ये ऑडियो सुनिएगा गौर से. आ गया है होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के साथ सुनील पाटिल के पूरे हैंड टू हैंड संबंध है जिसकी जांच एजेंसीज कर रही हैं, और दिल्ली बैठकर कैसे वो महाराष्ट्र के नेताओं के साथ काम कराता है ये खुद सुनील पाटिल जी ने बोला. ये सब ऑडियो टेप्स वीडियोस मुझे जिस सोर्स से आए, एक अननेम सोर्स से आए, मैंने ये आगे एजेंसीज को वैसे ही फॉरवर्ड कर दिया कल शाम को. मैं ये एक बड़ा सिंडिकेट है, किरण गोसावी सुनील पाटिल का आदमी है और इनका काम है कि बड़े बड़े नेताओं के साथ घूमना, उनके साथ फोटो खिंचाना, रिकॉर्ड बनाना, चाहे किसी भी दल के हैं. महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा सिंडिकेट बदली का, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का सुनील पाटिल चलाते आए हैं. मैं उसमें आपको आगे थोड़े 2 मिनट बाद जानकारी दूंगा, लेकिन सुनील पाटिल और किरण गोसावी जो मैंने आप आरोप लगाए कि दोनों उनके लोग हैं, ये उसका रहा प्रूफ. इसमें आप देख सकते हैं कि गुजरात के एक मंत्री के साथ दोनों ने फोटो खिंचाए. ये एक सिंडिकेट है बहुत बड़ा. ये प्रूफ करता है कि जिस हिसाब से एक झूठा नरेटिव बनाने का काम, एक झूठी स्टोरी बनाने का काम महाराष्ट्र के एक कैबिनेट मंत्री ने किया पिछले एक महीने से, वो किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या वो
देश में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध कर बैठे हैं? क्या एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ड्रग पेडलर्स और ड्रग माफिया की कोई मुहिम के साथ जुड़ी हुई है? क्या उनको महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री संरक्षण दे रहे हैं? ये एक प्रश्न है जो आपके सामने आके खड़ा होता है। ये बात तो एक ये सब रिकॉर्ड देखने के बाद होती है। हम लोग कोई नहीं होते किसी को क्लीन चिट देने वाले, लेकिन ये बात जरूर प्रूफ होती है कि जिस हिसाब से एक अधिकारी के ऊपर पिछले एक महीने पे आरोप लगते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बैक होकर हैंड टू हैंड होकर ये कार्रवाई हुई, इसमें ना भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना है, ना कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का लेना देना है। ये प्रूफ होता है कि किरण गोसावी सुनील पाटिल का आदमी है, प्रभाकर सेल किरण गोसावी का ड्राइवर है, वो भी सुनील पाटिल का आदमी है, मनीष भानुशाली वो भी सुनील पाटिल का आदमी है, सैम डिसूजा सुनील पाटिल का दोस्त है। तो एक एफिडेविट जो रेड के बाद बना कि जिसके अंदर बहुत बड़ा प्रश्न मैं आपसे सामने पूछ रहा हूँ, जिसके अंदर सुनील पाटिल का आदमी बोलता है कि उसके आदमी खड़े थे, 25 करोड़ रुपए उसने एक अधिकारी के नाम पे मांगा, जो अधिकारी का दूर दूर तक किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये बात प्रूफ होती है कि ये पूरा एक सिंडिकेट, एक पूरा षड्यंत्र, बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची गई। महाराष्ट्र में भी एसआईटी बैठी है। मैं लास्ट में एक ऑडियो सुनाऊंगा, लास्ट में आपको एक ऑडियो सुनाऊंगा, उसमें जो नाम के खुलासे होंगे, एसआईटी को खुलासा करना पड़ेगा कि महाराष्ट्र के कौन कौन से मंत्री इन्वॉल्व थे जो शाहरुख खान के लिए पैसे की तोड़ पानी करने के लिए उतरे आपस में। क्या ये ब्लैकमेलिंग का रैकेट कोई मंत्री चला रहे थे? इसके पीछे क्या महाराष्ट्र के एक मंत्री एजेंसी को भी टारगेट करना, ऑफिसर को भी टारगेट करना और वसूली भी करना, तीन एजेंडा लेके चल रहे थे? छूट गया तो हमने छुड़वाया, नहीं तो ये एजेंसी ने कार्रवाई की। क्या ये बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश का रची जा रही थी महाराष्ट्र में सेंट्रल एजेंसी को और अधिकारियों को, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए? इसका जवाब महाराष्ट्र के मंत्री को देना पड़ेगा और पूरी पार्टी को देना पड़ेगा। उनको अपने रिश्ते सुनील पाटिल के साथ क्या है बताने पड़ेंगे। ललित होटल जो मुंबई में है, पिछले आठ महीनों से, मतलब एक साल पहले से सुनील पाटिल का एक बड़ा स्वीट वहां पे बुक रहता था, शराब शबाब और कबाब की वहां पे पार्टियां होती थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कौन कौन से मंत्री थे जो सुनील पाटिल के साथ शराब शबाब और कबाब का मजा लेते थे? मैं नवाब मलिक जी से पूछना चाहूंगा कि वे सब वीडियो साझा करें। ऋषिकेश देशमुख ललित होटल में एक साल क्या करते थे सुनील पाटिल के साथ? कौन से महाराष्ट्र के अधिकारी डीसीपी की बदली में 2.5 करोड़ रुपए लेना और ग्रुप ट्रांसफर में 1-1 करोड़ रुपए लेना? इसका जवाब नवाब मलिक जी महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता को दे। मैं एक और बड़ा खुलासा करूंगा और बहुत ही सनसनीखेज खुलासा करूंगा। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमने देखा 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम के सेवन के ऊपर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री इसको गुनाह नहीं बताते। 2 ग्राम 3 ग्राम ही कोकेन रोज लिया जाता है, कोई 10 ग्राम और 100 ग्राम नहीं लिया जाता है, और डेली 2-2 ग्राम करके लेके ही आदमी ड्रग्स का हैबिचुअल बनता है। मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र में मुझे ऐसा लगता है, मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा, हो सकता है ये आरोप भी इनडायरेक्टली हो, क्या ड्रग पेडलर्स, ड्रग माफिया, ड्रग सिंडिकेट को शरण देने का काम चल रहा है क्या? क्या महाराष्ट्र में ड्रग फॉर मुंबई और ड्रग फॉर महाराष्ट्र की मुहिम को बढ़ाने का काम चल रहा है क्या?
क्या ड्रग्स से आए हुए पैसे देश के विरोध टेररिज्म या कन्वर्जन या दूसरी एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी या सोशल एक्टिविटी के लिए ये यूज होता है उसको महाराष्ट्र में बढ़ावा दिया जा रहा है क्या? ये मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा। म्याऊ म्याऊ एमडी जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ा ड्रग है। दाऊद इब्राहिम का गुर्गा एनसीबी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने जनवरी में अरेस्ट किया, जिसका नाम है चिंकू पठान। ये किरण गोसावी ने ऑडियो सैम को भेजा, बहुत से ऑडियोज हैं, बहुत से चैट्स हैं, मैं सब कुछ मीडिया के साथ साझा नहीं कर सकता, लेकिन मैंने सब एजेंसीज को ऑलरेडी सब भेज दिया है। अरे तूने की भाषा तूने यूज किया ना सैम, तेरे को नहीं मालूम अब तक मैं कौन है, क्या है, क्या नहीं है, और मयूर को भी मालूम नहीं है। लो जिसका नाम लेने का है, कौन है ये मयूर, मेरा प्रश्न है, किसका लेने का है, किसका नहीं लेने का है, मेरे को जाते से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं कल ओपन हो गया तो कैसी किसकी माँ चूटूंगा ना, वो फिर मेरे को बोलना मत ऐसा क्यों किया तूने करके, ठीक है, माँ की चूट में गया सब लोग, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं पूजा को भी इन्वॉल्व करूंगा, ऐसा के को भी इन्वॉल्व करूंगा कि मेरे को पॉलिटिकल बैकग्राउंड से मेरे को प्रेशर लेके आ रहे हैं लोग। कौन मंत्री प्रेशर कर रहा था, ये महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? पार्ट टू पिक्चर की जो है आफ्टर अरेस्ट, ये जो एफिडेविट बना, किस मंत्री ने एफिडेविट बनाया ये आप सब समझ चुके होंगे, कैसे झूठा नरेटिव सेट किया गया आप सब समझ चुके होंगे, ये सब मैं आपके साथ अभी व्हाट्सएप पे वीडियोस ऑडियो सब साझा करूंगा, आगे की जानकारी मैं इकट्ठा कर रहा हूं, जैसे पूरी इकट्ठा होगी पार्ट टू के साथ आपके सामने मैं जरूर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। सुनाया पुलास वाले यही मैंने यही मयूर कौन है जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपको शेयर करूंगा, कोई मयूर की जिक्र हो रहा है इसके बीच में, सैम मैं उसे पूरा डिटेल, सैम किरण गोस्वामी ने सैम को ये ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड करके उसके व्हाट्सएप पे भेजा कि मैं एक्सपोज कर दूंगा सबको, अब किरण ने मंत्रियों को भी एक्सपोज कर दूंगा, मिनिस्टर्स को भी और सबको। तो कौन कौन से मंत्री के टच में है किरण गोसावी, कॉल रिकॉर्ड की जांच होनी चाहिए। ये आरोप जो एक अधिकारी के ऊपर और डिपार्टमेंट के ऊपर लगा कि किरण गोसावी अधिकारी का आदमी है, हम कोई नहीं होते अधिकारी को क्लीन चिट देने वाले, मैं कोई नहीं होता किसी एजेंसी को क्लीन चिट देने वाला, लेकिन ये जरूर है कि ये अधिकारियों के खिलाफ और एजेंसी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची गई। क्या आप ये कह रहे हैं भाई जिस तरह से सभी खान की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से ही जवाब मिली और बाकी मंत्री भी एनसीबी को और एनसीबी के अधिकारियों को फंसाने की कोशिश कर रहे थे अप्रैल महीने से? देखिए जिस हिसाब से एक होम मिनिस्टर का फोटो मीटिंग शायदरी जैसी सेंसिटिव प्लेस में दाऊद इब्राहिम के म्याऊ म्याऊ करके जो ड्रग आता है उसके सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर के साथ होती है, उस मीटिंग में किसी का दिमाग आज जो नारकोटिक्स से पैसा आएगा वो देश के विरोध में ही यूज होता है, देश के विरोध में गतिविधियों में यूज होता है, तो ये महाराष्ट्र के मंत्रियों को इसका जवाब देना पड़ेगा। वो जवाब देंगे, अब उनका मैं थोड़ा मोटिव बताऊंगा उनका मोटिव क्या है, क्या? भाई साहब उनका मोटिव तो वो बताएंगे ना, अब नवाब मलिक जी का मोटिव क्या था कि ये झूठे नरेटिव और झूठी बातें और एक अधिकारी के खिलाफ या एजेंसी के खिलाफ जिस रूप से निकल के सामने आए, उन्होंने किरण गोसावी को अधिकारी का आदमी बताया, किरण गोसावी तो उनका आदमी है,
आज किरण गोस्वामी तो उनका आदमी है, तो वो बताए ना कि इसके पीछे उनकी क्या साजिश है। भट्टे ललित के बारे में आज इतने बड़ा खुलासा किया है ना, कि इसके बारे में कल बम फोड़ने वाले हैं, फोड़े कल कल जो बोलने वाले उसमें सच्चाई नहीं होगी। नहीं मैं क्या बोलता हूँ, फोड़े ना, हमने तो स्वागत किया, आप फोड़े, बम फोड़े, एटम बम फोड़े, जो फोड़ने फोड़े, लेकिन पहले देश